नमस्कार दैनिक शिवचाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भाजपा को एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है, यानी पूर्व मंत्री और साथ ही साथ पॉलिटिशियन चौधरी जुल्फकार जो कि है वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं। रविंदर रैना जी यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। और इस समय रविंदर रैना जी खड़े हैं, विबोध गुप्ता जी स्वागत की तैयारियां हैं। रविंदर रैना जी का नाम लिया और वापस चले गए। चलिए वापस आते हैं। इस समय पूरी तरह से मजबूती मिलने वाली, कितनी मजबूती मिलेगी वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में, किस तरह से लक्ष्य तय किया हुआ भाजपा ने, और अब देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्शन पास पास आते जा रहे हैं, जो नेता गिन है। एक पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और कुछ ही मिनटों के बाद चौधरी जुल्फकार अली यहाँ पहुँचते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचते हुए और चौधरी अल्टीमेटली चौधरी जुल्फकार अली पहुँच गए भाजपा हेडक्वार्टर से। किस बार से लाइव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं चौधरी जुल्फकार अली का काफिला। चौधरी जुल्फकार अली इस समय नमस्कार सर। सर क्या शीशा नीचे करिए, आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज आप भाजपा का दामन थामने वाले हैं सर, क्या कहेंगे, क्या सोच रखकर आए हैं? अभी अभी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, गिव मी सम टाइम, मैं डिटेल बात करूंगा आपसे। थोड़ा सा क्या हमने अपनी स्टेट के मफाद में जो बेहतर हो सकता था वही किया। स्टेट का मफाद होगा सर, ऑफ कोर्स यही लगा था इसीलिए। आपको लगता है बीजेपी ने जो काम किए हैं उससे अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी? हम उम्मीद रखते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। किस नीतियों से प्रभावित हुए आप भाजपा की? मैं मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं वही बात करूंगा डिटेल में। गिव मी सम टाइम। चलिए अल्टीमेटली जुल्फकार अली जी ने कहा है उसके बाद पॉलिटिशियन फार्मर मंत्री और एक मजबूती मिलने वाली। और साफ तौर पर चौधरी साहब ने कहा है कि स्टेट की यानी कि यूटी की जम्मू कश्मीर की मुफाद के लिए ही ये भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। जुल्फकार जी कितनी खुशी है ये बता दीजिए। बता दूंगा सब, बता दूंगा। जस्ट वेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। चौधरी साहब की खुशी जो बता रही है, चेहरे की खुशी, साफ तौर पर जुल्फकार जी खुशी कुछ ज्यादा ही जाहिर हो रही है लग रहा है। अपने लोगों के लिए काम करना इसके लिए खुशी होती है। चौधरी जुल्फकार अली उन्होंने कहा कि अपने जो लोगों की मुफाद के लिए भाजपा को ज्वाइन कर साफ तौर पर आप तस्वीरें में इस समय देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की, कितनी खुशी है उनके समर्थक किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं। और चौधरी जुल्फकार अली से बात की, उन्होंने कहा अपने लोगों की मुफाद के लिए भाजपा को ज्वाइन किया, उसे मैं की तस्वीरें इस समय आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। चलिए जाने का प्रयास करेंगे। आज चौधरी जुल्फकार अली भाजपा का दामन थामने वाले हैं, क्या सोच रखकर आप लोग आए यहाँ पर? हम वेलकम करते हैं चौधरी जुल्फकार साहब का, जिससे वेलकम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। चौधरी जुल्फकार साहब एक बड़े बड़ा चेहरा हैं, बड़े गुजर लीडर हैं और जोरी पुश की नुमाइंदगी करते हैं, तो दिल से वेलकम करते हैं उनका। कितनी मजबूती मिलने वाली भाजपा को चौधरी साहब के दामन थामने से? भारतीय जनता पार्टी पहले ही मजबूत है, लेकिन इनके आने से और मजबूत हो जाएगी।
डेफिनेटली मजबूत। तो क्या लगे, बड़ा झटका लगा है विपक्षी दल को? जाहिर है बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा लीडर जब आएगा तो झटका तो लगता ही है। आप देख रहे हैं सियासत में बड़ा चेहरा बड़ा नाम चौधरी जुल्फकार अली जो यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, और आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन की पूरी तैयारी है भाजपा की ओर से भी। यहाँ पर एक तरफ विपक्षी दल सब अपने अपने तैयारियों में लगे हुए हैं किस तरह से अपना वर्चस्व दिखाए और जीत हासिल करे आने वाले असेंबली इलेक्शन में। रविंद्र रैना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट, भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी ये जो विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं चेहरे की खुशी ना बता रही है। चौधरी साहब के आने से विपक्ष का झटका लगा और भाजपा को मजबूती मिली है। जबरदस्त बीजेपी के लिए ये इस वक्त ये बड़ा अहम दौर है और बीजेपी चारों तरफ इस समय बीजेपी छाई हुई। आप देखेंगे सीएम होगा तैयारी पूरी, पूरी तैयारी पूरी जबरदस्त जबरदस्त। ये गाड़ियां निकालो यहाँ से, बीजेपी पीर पंजाब में बोलता था मजबूत होगी, पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी। और भी नेताओं के आने की है, चलो ऊपर ऊपर हाल भी चलो ऊपर।
ऊपर जाना चाहिए पसीना भी आवा दा बड़ा चीफ मिनिस्टर भी अपना होना दो वड्डी गल्लां जिहड़ियां गलाईयां चुनावों की घोषणा हो चुकी है और वीर पंजाल खुदे से आप हैं गृह मंत्री से मुलाकात कर आए हैं, क्या हम ये मान के चले कि इशारा साफ है? मुझे ये उम्मीद है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और अपने बलबूते। चलिए सर, चौधरी जुल्फकार जी हमारे साथ है। चौधरी साहब आपने पूरी बात अभी बताएंगे बैठने देना मुझे, किस नीतियों से प्रभावित होकर अपने भाजपा का दामन थामा? सबको इकट्ठे बताऊंगा। नहीं अब बता दीजिए, हमें बताया तो आप इस समय आपके समर्थक हैं। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉ भारती स्कीमें हैं उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा कायल किया है, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड इलाके का रहने वाला हूं, मैं एक ऐसे समुदाय से तल्लक रखता हूं जो बहुत बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ समुदाय है, और आज उन लोगों के पास वो स्कीमें पहुँच रही हैं तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। हमने आज तक बहुत स्लोगनिंग पे वोट्स दिए हैं, इस बार हमने फैसला किया कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेंगे, हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे। हम जो इस देश में अंतिम व्यक्ति है जिन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उन तक सारी स्कीमें पहुँचे, हमारा यही एक जो दिल की ख्वाहिश है कि जो इन्होंने ये पॉलिसीज लाई हैं अब हम इन चीज़ों को आगे लेके इलेक्शन में जाएंगे, ना कि ये जो चीज़ें हैं वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात कहती रही कि हम 370 को वापस लाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रियलिटी हकीकत बताने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि भाजपा इज द बेस्ट प्लेस जो एक साफ सुथरी राजनीति करते हैं। जैसे आपने कहा बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, कि भाजपा के द्वारा जो उनको अधिकार मिले और किसी सरकार ने नहीं दिया आज तक, तो इसीलिए आप प्रभावित हुए। देखिए मैं अभी की बात कर सकता हूँ कि आज की डेट में जो पॉलिसीज उनकी हैं, जो प्रोग्राम्स उनके हैं, जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास का जो मंत्र लेके चले हैं प्रधानमंत्री जी, और हमें लगा है, हमने पिछले 10 साल में उनकी परफॉर्मेंस देखी है और उससे हमें लगा कि अब हमें इस लाइन को अडॉप्ट करना चाहिए। सर कल कह रहे हैं गृह मंत्री साहब से बात करने का, लगता है कि अब स्टेट मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को अपने, वो तो कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट दी है और रिपीटेडली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी श्रीनगर में कहा कि हम राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करेंगे, तो हमें उम्मीद है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, आप क्या बातचीत हुई है और क्या मुद्दे? तमाम पॉलिटिकल इश्यूज पे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। चौधरी जुल्फकार अली ने साफ तौर पर कहा कि बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, एससी की बात करें और जो उनको अधिकार मिला है, और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में उन्हें अधिकार दिए जिससे न जाने कब से वो वंचित थे। मरु जी प्लीज बाहर जाने दें। देखिए मैं और देखिए रहना सर देखिए रैना सर अपनी गोजरी में भाषा में बोलते हुए और गिले में बुजुर्गों को बड़ा इस्तराम करते हैं रैना सर। चलिए रैना सर, आज का जो कार्यक्रम है पूर्व मंत्री और एक स्टालवर्ट जो पॉलिटिशियंस है चौधरी जुल्फकार अली, उन्होंने बाकी पार्टियों का नकार कर इधर रहिए बाकी पार्टियों को नकार कर भाजपा का दामन थामा और कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीतियां उनसे प्रभावित हुए। हजरत के आल अथारो तंबल ठीक है जनाब, जनाब वेलकम, ऊपर चलो जनाब, ऊपर सबसे सर आप जवाब आलमा
चलो हजरत शाबाश मुबारक है तमाम शुक्रिया। चलो चलो जनाब शुक्रिया। चलो चलिए सर आइए आइए शाबाश। बहुत बहुत ज़बरदस्त आज खुशी का दिन है। चौधरी जुल्फकार साहब आदाब जरा। चौधरी जुल्फकार साहब एक बड़े मायानाज शख्सियत के मालिक हैं। हम जानते हैं कि चौधरी जुल्फकार साहब जो हैं वो एक बड़ी कदावर शख्सियत के मालिक हैं, एक नामी गिनामी सियासतदान। उनके जो वालद मोहतरम थे वो 5 मरतबा MLA रहे, मिनिस्टर रहे। चौधरी जुल्फकार साहब खुद 2 मरतबा MLA चुने गए, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और उनके BJP में शामिल होने से ना केवल बुद्धल कोटरंका के क्षेत्र में बल्कि पूरे रजौरी पुंछ में उनका एक असर रसूख है, पूरे रजौरी पुंछ में। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आने से यहां BJP को ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। BJP तो आप कहते पहले ही नेता कहते पहले ही ज़बरदस्त है, पर अब और आने से जी जी जो ही अब और किसी नेता के आने की भी आशंका है। अभी देखिए आने वाले समय में देखो पत्ते खुलने वाले हैं, पत्ते खुलने वाले हैं जनाब। तो चलिए एक बात करते हैं सर, जनता से जो हमारे हमारे पर सवाल करते हैं, डेली वेजर है हमारे, SPUs हैं, होम गार्ड्स हैं, सारे मसले एक एक करके मसले हम हल करेंगे। यानी कब होंगे एक एक मसले हम कब हल होंगे? सबके मसले हल होंगे, सबके सबके। सर ध्यान आपका इधर उधर है जरा सवाल के, जनता क्योंकि आवाम आ रही है, दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं। जो हमारे दफ्तर में आएगा उसका दिल से वेलकम है। 50+ के लक्ष्य की बात करें वो तो आप जानते हैं। कुछ AB पार्टी की भी बात हो रही है, कोई गठबंधन की भी बात? कोई गठबंधन नहीं है, अब एक ही गठबंधन है BJP। यानी CM भाजपा का होगा? मुझे दावे के साथ कह रहे हैं जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ जी। मुझे एक चीज बताइए, अगर भाजपा की जम्मू कश्मीर में सरकार होती, सबसे बड़ा आजकल मुद्दा है स्मार्ट मीटर्स का, उसके बारे में क्या कहेंगे? BJP की सरकार आने दो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी स्मार्ट मीटर्स उतर जाएंगे? अब मैंने बोल दिया ना नहीं नहीं ठीक होने का मतलब सब कुछ मैनिफेस्टो में क्या रखने वाले हैं? मैनिफेस्टो में हम गरीबों को फ्री बिजली दे देंगे। क्या बात है सर, ऑन कैमरा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना जी। और आपको मालूम है कि रविंद्र रैना जो कहता है फिर करता भी करता, बिल्कुल जी। डेली वेजर का भी हो जाएगा, SPUs का, सबके मसले। एक श्रेय तो आपको जाता है, फायर इमरजेंसी सर्विस घोटाले का जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। आपके अगर पिछले 7 साल में आप काम गिनोगे ना जो रविंद्र रैना ने यहाँ की आवाम के लिए गरीबों के लिए किए, ये सोचे कि आने वाले CM कैंडिडेट का चेहरा जो है वो रविंद्र रैना ही होंगे? देखो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। सर बड़े जो होते हैं नेता से कहते हैं, आपके सोशल मीडिया में लिखा जाता है कि आने वाले चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना, लोग आपको काफी पसंद करते हैं। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लोगों का खादिम हूँ, सेवादार हूँ। भले बाकी नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते होंगे, उन्हें गालियां भी पड़ती होंगी, क्योंकि नेता है जनता का प्यार भी मिलता है, गालियां भी मिलती है, पर एक वाहिद आप शख्स हैं जिन्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। मैं अपनी जनता का, लोगों का, आवाम का शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार। राणा साहब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाजपा क्या पता इस बार नए चेहरे उतारे, क्या युवाओं को मौका मिलना चाहिए? आपकी मर्जी है क्या? नहीं ये आपने डिसाइड करना ना, हाईकमान ने डिसाइड करना है, जनता के जो व्यूज देता है। पत्रकार अगर सियासत में आ गए तो सियासतदान पत्रकार बन जाए, क्या बात करते हैं? पत्रकारों ने थोड़ी टिकट लेनी है सियासत में आ गए तो, और पत्रकारों ने थोड़ी टिकट लेनी है सर। सर सुन रहा है, कुछ पत्रकारों के नाम भी आ रहे हैं भाजपा देने वाली टिकट, अगर आपकी मर्जी हो तो। नहीं हमारी क्यों मर्जी है सर, क्यों नहीं? हाई कमान में थोड़ी है, आप भी तो पार्टी हाई कमान, आप भी तो इस देश के शहरी हो। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी जनता की सेवा कर सकते हैं? हम ऐसे हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहते, चेहरे चेंज होंगे, युवाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को उतार रहे हैं, काफी पढ़े लिखे काफी डिजर्विंग लोग हैं, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर आप करते हैं तो कहां से आपको उम्मीद है कि आपको किस जल्द पता चल जाएगा? वो तो पार्टी ने तैयारी है रणभूमि में उतरने के लिए, पूरी तैयारी, एक घमासान देखने को मिल रहा है। आप दिल्ली जाते हैं, कुछ बड़ा चेहरा भाजपा में लेकर आते हैं, दोबारा दिल्ली का दौरा कब लगने वाला? बहुत जल्दी कुछ और चेहरे भी आने जी, यानी पूरी तरह से तय कर लिया, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए मैदान में उतरी, 50 पार का लक्ष्य करके रहना है। जनता जो रूठे हुए लोगों ने कैसे मना पाएंगे सर, रूठे हुए को कैसे मना पाएंगे? BJP में सब खुश है, कौन रूठा है? BJP की बात नहीं करें, BJP की बाहर की बात करें मैं, डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, SPOs हैं, आशा वर्कर्स हैं, रेबरेकेल्स हैं, वो सब हमारे साथ, जंगलात हैं, लैंड ओनर्स हैं, वो सब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ। कहने तो थोड़ी होता है और क्या,
सब हमारे हैं। वो कहते हैं पहले भी वायदा किया था पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए कैसे विश्वास, सब वादे पूरे हों। स्मार्ट मीटर का तो बड़े तू रिया लोगों को भाई, लोग कह रहे हैं 500 बिल आता, दो दो हजार चार चार पांच पांच हजार आ रहा है। गरीब माँ जो बेचारी विधवा है वो घर में उसका पंखा चलता होगा, सब ठीक कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वादा है अरविंद, बस दो महीने की बात, दो महीने। अपोजिशन कह रही है कि स्टेटहुड की मांग हमारी पूरी नहीं हुई। अपोजिशन जब सत्ता में थी तो किया कुछ नहीं, तो आज उनको स्टेटहुड भी तो सर मिलनी चाहिए, अपने महाराजा जी की प्यारी रियासत वापस मिलनी चाहिए। ये लोगों का, विपक्षी दलों का सबका आया कि हमें महाराजा जी की, हमारे जम्मू कश्मीर अंदर से आप भी चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो। वो तो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोला है, तो 5 साल होगी बोला, चलिए पूरा हो जाए। अब और कितने साल, वो भी पूरा हो जाएगा। दिक्कत, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। बड़ी जल्दी नमस्कार, क्योंकि मेरा कार्यक्रम आपको बड़ी खुशी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जैसे आपने कहा था सेंटर में 400 पार, वहीं आप 50 पार की नारा लगा रहे हैं। चलिए अभी पता चल जाएगा, दो महीने का वक्त है, उम्र दो महीने के अंदर अंदर, डेढ़ महीने, डेढ़ महीने। उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब वो उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कह रहे जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं की जाएगी, वो उनका, उनकी पार्टी का अपना फैसला है, उस पर तो मुझे कोई, भाजपा पूरी तरह से तैयार है 50 प्लस का, बीजेपी, बीजेपी तैयार पूरे तरीके से, बीजेपी तैयार है, और वोट तो जनता ने करना है, जनता पर हमें भरोसा है। अगर चीफ मिनिस्टर भाजपा को जनता को, जनता को जो भी होगा, जनता को आप पर, आपको भरोसा जनता पर, जनता पर, जनता किस पे भरोसा करेगी? जनता बीजेपी, सिर्फ बीजेपी पे, पहले किया था ना सर, फिर करेंगे, क्योंकि हम ये हमारे लिए सवाल है, हम जो हमारे सवाल नहीं जनता के, हम गरीबों के, आम लोगों के, आप है ना सर, सेवादार हैं, खिदमतदार हैं, जो काम नहीं होने किस तरह से पूरा किया। आज देखो एम्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, आईआईटी, आईआईएम, रिंग रोड्स, चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, की रोटी भी तो चाहिए, बारिश आती है सर, ना शुरू नहीं उम्मीद है, जबरदस्त। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अध्यक्ष साहब ने तो हाथ जोड़ दिए थे ना, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त मिलेगी बिजली, पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था जिस तरह से दिल्ली में, अब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी ऐलान कर दिया कि मुफ्त बिजली मिलेगी अगर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है। और वहीं पर हमने सारे मुद्दे गिनाए जिसमें से होमगार्ड्स का है, एसपीओस का है, आशा वर्कर्स का, डेली वेजर्स का है, रहबरे खेल का है, रहबरे जंगलात का है, लैंड ओनर्स का है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, कई सारे मुद्दे हैं, एनएचएम का मुद्दा है। तो इन्होंने कहा सारे मसले हल होंगे, चलिए देखते हैं पहले के वादे या आपके दावे, कौन किस पर भारी होता है ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे विपक्षियों को, विपक्षी दल को एक बड़ा झटका, और भाजपा को बड़ी मजबूती मिली है पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली, जो पुंछ और राजौरी के लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं, एक खास अहमियत है उनके लिए। उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है, बाकी पार्टियों का नकार कर। चलिए ये आने वाला समय तय करेगा कौन किस पर भारी होता है, ये मैदान, चुनावी मैदान की रणभूमि में पता चलेगा, और जिसके